जैसे कि होती है लाल पीली हरी, गुलाब की पहाड़, गुलाल की पहाड़ी बनाते हैं ना, गुलाल रखते हैं थाली वगैरह में सजाते हैं, तो हमने भी यहाँ पे बना दिया। मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक बुक पर और मेरे घर में भी। तो फ्रेंड्स, आ गई है होली और होली की शुभकामनाएं सभी को एडवांस में। सभी धूमधाम से होली मनाइए, रंगों का त्योहार है, हंसी खुशी से सबके सबके गले मिलिए और प्यार भरे रंग लगाइए और नए नए पकवान खाइए, पुराने और नए सभी तरह के। पुराने तो फॉर एवर है जो हम हमेशा बनाते हैं और इस तरह से बना के उसको रखते हैं कि वो खराब नहीं होते हैं, तो ज्यादातर इसी तरह के पकवान बनते हैं जैसे ये होली दिवाली वाले त्यौहार होते हैं जो कि खराब नहीं होते हैं और फ्राइड करके बनाए जाते हैं। कई तरह के मतलब बर्फी है, चक्की है, बहुत तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में, होली के उपलक्ष्य में मैंने बनाई है आज मसाला मठरी नाचोस। तो मठरी तो बनाते ही हैं, अभी मैं बनाऊंगी प्लेन वाली, लेकिन मैंने बनाई है मसाला मठरी जो कि बहुत टेस्टी है, आप लोग भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसमें क्या क्या सामग्री काम में आएगी। तो यहाँ पे मसाले रखे हैं, ये तो मैंने ऑयल रखा है, तो ऑयल तो तलने के काम में लेंगे और मोइन के काम में लेंगे। और साथ में देखो मैंने मसाले रखे, ये है रेड चिली पाउडर, ये है थोड़े से चिली फ्लेक्स, यहाँ पे सूजी रखी है, थोड़ी सी सूजी डालेंगे उससे क्रिस्प बनेगी हमारी ये मठरी। साथ में थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे और डालेंगे इसमें अजवाइन और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। साथ ही साथ मैं बनाऊंगी मैदे से, लेकिन थोड़ा सा बेसन और सूजी मैंने बताई थी, साथ में थोड़ा सा बेसन भी डालेंगे। ये है कसूरी मेथी, तो थोड़ी सी कसूरी मेथी को मसल के हाथ से डाल देंगे। और ये देखिए ये मैंने ना गरम एकदम तवे पे या कढ़ाई में रोस्ट कर ले, इसको हल्का सा डाल देंगे ना तो ये एकदम क्रिस्पी सी हो जाएगी। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जब हम डालेंगे तो ऐसे रब हो जाएगी हाथ से। तो यहाँ पे हम मैदे को छान लेंगे और आप जिस मात्रा में बनाना चाहे, ये मैंने आधा किलो यहाँ पे मैदा लिया है, तो इसको छान के फिर मैं सब मसाले मिलाऊंगी। तो एक ये छोटी सी प्याली हम सूजी इसमें मिला देंगे, इससे बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। और साथ ही साथ ये बेसन मैंने रखा है तो ये भी डाल देंगे इसके अंदर। तो अब मैं डालूंगी नमक, नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार, ताकि बस इतना ही डालेंगे, बिल्कुल बराबर रहे इसमें। और साथ में डाल देंगे अजवाइन, अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे मैंने अजवाइन डाली, आप लोग चाहे तो मिक्स हर्ब्स होते हैं वो भी डाल सकते हैं इसमें, ऑरिगेनो वगैरह, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पसंद है तो वो डाल सकते हैं आप। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर कलर के लिए, रेड चिली पाउडर डालेंगे इसके अंदर, अच्छे से इसमें चटपटा टेस्ट आएगा। और इसमें मैं डालूंगी चिली फ्लेक, चिली फ्लेक दिखने में भी बीच बीच में सुंदर लगेंगे। ये देखिए चिली फ्लेक डाल दी। तो ये है कसूरी मेथी, ड्राई रोस्ट करके रख दी थी, तो अब आराम से देखिए आप एकदम क्रिस्पी सी हो गई है, आराम से इसका चूरा हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है। ये देखिए हमने डाल दी, थोड़ी और डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इससे। यहाँ पे देखिए होली के रंग तो होते ही हैं, साथ ही साथ हमारे किचन में भी रंग बिखरे हैं मसालों के। जैसे कि होती है लाल पीली हरी, गुलाब की पहाड़, गुलाल की पहाड़ी बनाते हैं ना, गुलाल रखते हैं थाली वगैरह में सजाते हैं, तो हमने भी यहाँ पे बना दिया हमारे मसाले। ये अब इनको मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग पाउडर इसके अंदर, आप लोग भी डाल सकते हैं, ये मैंने पहले नहीं दिखाया था, अभी डाला है मैंने, तो थोड़ा सा हींग का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगेगा मसालों के साथ। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल, इसका मोइन डालेंगे, जैसे मीठे या कुछ बनाते हैं या फीकी मठरी और उसमें तो हम डाल देते हैं घी का, अच्छा लगता है। और ये मसाले वाली है तो इसमें ऑयल, आप चाहें तो इसमें भी डाल सकते हैं घी का। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है मोइन। तो
यहाँ पे देखिए इस तरह से ये इकट्ठा हो रहा है आटा हमारा, इतना हमने मोइन डाल दिया, इस तरह से भुट्टी बना के देख ले। अब इसको हमने सबको मिक्स कर लिया, मोइन भी हो गया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, टाइट हमको डो बनाना है। यहाँ पे हमारा डो रेडी हो गया, देखिए आप अच्छे से गूंद लिया हमने टाइट। तो अब मैं थोड़ी सी देर रख के फिर इसके मैं काटूंगी, मैं बताऊंगी किस शेप के काटूंगी। और आप देख रहे होंगे, आप सोचोगे कि ये बेसन का है, जी नहीं, ये है मैदा और इसके अंदर मिलाए गए हैं मसाले, तो बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं घर पे। तो यहाँ पे एक डो बना के अब इसको हम बेल लेंगे पतला। तो मैंने इस सरफेस को साफ कर लिया अच्छे से और यहीं पे बेल लेंगे, क्योंकि बड़ी रोटी बनाएंगे हम पतली, तो चकले पे पूरी अच्छे से नहीं आती है, तो इस पे बेल लेंगे। तो ये हमारा है बड़ा चकला, अच्छे से साफ कर लिया इसको, अब इसी पे हम बड़ी रोटी बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको मैं किस तरह से काटूंगी। इक्वली हमने इसको बेल दिया है, देखिए किनारे भी ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, बीच में भी मोटा ही हो तो उसको घिसके और इस तरह से पतली रोटी सी बना ली है। तो एक बार हम इसको किनारे से बिल्कुल हटा देंगे, जहाँ पे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा है तो उसको हम निकाल देते हैं। इसकी स्ट्रिप काट लेंगे, ये देखिए इस तरह से चौड़ी चौड़ी, ये देखिए इस तरह से पहले मैं ये काट लूंगी। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप को अलग रख दिया। अब हम इसको इस तिकोने से ये यूं ले लेंगे हम, ये देखिए, और फिर वापस से इसको यूं ले लेंगे, और फिर इसको ऐसे ले लेंगे, और फिर इसको ऐसे ले लेंगे, और फिर से इसको ऐसे ले लेंगे, और जो शेप खराब है तो उसको निकाल सकते हैं वैसे। तो ये देखिए ये हमारे बन गए हैं तिकोने, तिकोने नाचोस, आप इसे नाचोस भी कह सकते हैं, नमकीन हमारे देसी नाचोस। तो यहाँ पे हमारी मसाला मटरी नाचोस तैयार है। तो आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, मसाला मटरी या नाचोस की शेप की, जैसे हमने ये काट दी थी तो ये अलग शेप भी हो गया और अच्छी भी है, बिल्कुल टेस्टी। इसके अंदर सब कसूरी मेथी और सबका फ्लेवर आ रहा है मसाले का। और जैसा कि मैंने बताया, ओरिगेनो वगैरह भी डाल सकते हैं, यदि आप अजवाइन नहीं डाले तो मिक्स हर्ब्स डाल सकते हैं इसके अंदर, तो उसका भी एक अलग सा टेस्ट आ जाता है। और भी यदि आपको कुरकुरे बनानी है इसको बहुत ज्यादा, तो थोड़ा रखें इसमें मोइन, जैसे मैंने तो दादी सा है, इसके पापा और थोड़ा सा मोइन वाली खाते हैं, उनसे खाई नहीं जाती। यदि आपको कम मोइन डालेंगे तो और थोड़ी सी ऐसी क्रिस्प टाइप, मतलब जब तोड़ते हैं ना तो उसमें क्रिस्प उस टाइप की बन जाएगी। तो जैसे भी आप चाहें और जैसे मैंने बनाया उस टाइप से भी बना सकते हैं। तो देखिए हमारी तैयार होगी ये मटरी। तो फ्रेंड्स आपने देखा, मसाला मटरी बनानी बहुत ही आसान है, नाचोस के शेप में हमने इसके काट दिया। बच्चे जो खुश होके खा लेंगे
बाहर की चीजें बच्चे खाना पसंद करते हैं, तो घर की मटरी को नाचोस के शेप में देख के बच्चे उछल उछल के उसे खुशी से खाएंगे। तो वैसे मसाला भी इसमें इतना अच्छा है कि बच्चे रुक ही नहीं पाएंगे। और आप चाहे तो बच्चों की पसंद के अनुसार मिक्स हर्ब्स वगैरह डाल सकते हैं। चिली फ्लेक तो मैंने वैसे ही इसमें डाले हैं और अजवाइन वगैरह सभी मसाले आपने देख ही लिए, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। और ज्यादा क्रिस्प करना है तो थोड़ा सा मॉइन कम कर दे और बेसन हटा के थोड़ी सी सूजी रखे उसमें और बस थोड़ा मॉइन कम करके डाल दे, एकदम से कटाक वाली क्रिस्पी बन जाएगी वो। मैंने थोड़ा सा मॉइन रखा है बड़े बूढ़े और उनके हिसाब से, आप लोग चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। मसाले वही डाले, फिर देख क्या रहे हैं, जाइए जल्दी से बनाइए मसाला मटरी नाचोस। तो मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खमागणी।